नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर आप मुझसे पूछें कि आज के समय जियोपॉलिटिक्स में हॉटेस्ट टॉपिक क्या बन चुका है, कैसा टॉपिक जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, सब सरप्राइज्ड हैं कि अचानक से ये टॉपिक सेंट्रल पॉइंट बन चुका है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का, तो मैं कहूंगा तिब्बत। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है धर्मशाला में आए, जो स्पीचेस दिए, शी जिनपिंग को ये कह दिया कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, जो तिब्बतियन करेंसी थी ये काफ़ी हद तक प्रमोट करी, ये सब दृश्य देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड है, क्योंकि एक महीने पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सब देखने को मिलेगा। यूएसए के पास इतनी पावर है, इतनी सॉफ्ट पावर है कि कुछ ही दिनों में तिब्बत के इशू को वापस ग्लोबली मेन डिबेट का पॉइंट ये बना सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट देखिए ऑब्वियसली बहुत ही ज़रा फ्रस्ट्रेटेड है। चाइना बार बार ये कह रहा है कि ये लोग रेजोल्यूट मेजर्स लेंगे, बिल्कुल जवाब देंगे यूएसए को इस तिब्बत इशू को लेकर। जिस तरीके से यूएस ओपनली तिब्बत की बात कर रहा है, तिब्बत के झंडे के सामने इनके बड़े पॉलिटिशियंस स्पीच दे रहे हैं, तिब्बत के मैप के सामने, चाइना ने कहा है कि इसका जवाब ये लोग यूएस को देंगे, कैसे देंगे पता नहीं, बट अभी के लिए चाइना सडनली प्रेशर फील कर रहा है। कई दशकों बाद तिब्बत का इशू वापस एक फोरफ्रंट पे आ चुका है, और इसके रिस्पांस में फॉर द टाइम बीइंग चाइना का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, जो इनके बहुत सारे खरीदे हुए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं कई बार देखता हूँ सोशल मीडिया पे ना कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साफ लग रहा होता है कि वो चाइना के लिए ही काम कर रहे होते हैं। उनकी ट्वीट्स आप देख लो, उनके आर्टिकल्स आप अगर देख लो, सिर्फ चाइना के गुणगान आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट चाइना के स्पोक्समैन की तरह बात कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़रा अजीब लगता है देखना। तो उन लोगों को भी आप अगर काउंट कर लो, सारा जो चाइना का इकोसिस्टम है आज के समय सिर्फ एक आदमी के पीछे लग चुका है, और वो है दलाई लामा। चाइना कैसे भी करके अब इनकी जो इमेज है, इनकी जो रेपुटेशन है, ये खराब करने की कोशिश कर रहा है बहुत सारे गलत आरोप लगा के। चाइना की सरकार ने ये भी कह दिया कि इनके हिसाब से दलाई लामा रिलीजियस लीडर नहीं है, ये सेपरेटिस्ट हैं, ये बस तिब्बत को तोड़ना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा खराब बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। और इसके रिस्पॉन्स में देखिए इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। भारत सरकार ने देखिए डायरेक्टली ये कहा है कि दलाई लामा डीपली रिस्पेक्टेड है भारत में, ना सिर्फ रिस्पेक्टेड, भारत की जनता, इंडियन गवर्नमेंट, सब लोग दलाई लामा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और इसकी एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। जैसे आप लोग जानते हैं, जब 1950s में चाइना की मिलिट्री ने तिब्बत पे आक्रमण किया था तिब्बत को कब्जाने के लिए, उस वक्त दलाई लामा अपने फॉलोअर्स के साथ 1959 में बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए थे। बहुत लंबा सफ़र था, कई दिन लग गए थे, जवाहरलाल नेहरू ने इनको रिसीव किया था, और धर्मशाला में उसके बाद तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बसाई गई थी। तो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, कई जनरेशन से, मैं कहूँगा ऐसा नहीं है कि अब अचानक से ये जनरेशन रिस्पेक्ट करती है दलाई लामा को, कई जनरेशन से इंडियंस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते दलाई लामा को। हम देखते हैं कि इंडिया में कोई फेमस पर्सनैलिटी आती है, वो भी काफ़ी बार धर्मशाला जाते हैं दलाई लामा के दर्शन करने के लिए। तो पहली बात तो ना सिर्फ दलाई लामा डीपली रिस्पेक्टेड है, आगे ये भी ऐड कर दिया कि दलाई लामा इज़ फ्री टू कंडक्ट रिलीजियस एक्टिविटीज़। नाउ मुझे एक बात यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, दलाई लामा को लेकर वैसे इंडिया ने कंप्लीट सपोर्ट दिखाया है, बिल्कुल कहा है कि हम दलाई लामा के साथ खड़े हैं, मगर साथ में ये भी कह दिया के जो यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत में आए और जो दलाई लामा से मिले वो उनका बिजनेस है, उससे भारत ने खुद को दूर कर लिया है। जो स्टेटमेंट्स दी गई थी नैन्सी पेलोसी द्वारा शी जिनपिंग को लेकर, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, मैंने आपको बताया था कि शी जिनपिंग के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है, चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या कहा है, तो उस सब को लेकर इंडिया ने खुद को थोड़ा दूर कर लिया है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इंडिया यहाँ पर देखिए दलाई लामा का सपोर्ट करते हुए भी ना चाइना को एक भी ये रीज़न नहीं दे रहा कि वो इंडिया पे आरोप लगाए कि जो यूएसए कर रहा है धर्मशाला में जाकर, जो यूएसए की स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पर इंडिया भी इन्वॉल्व है। बहुत मैं कहूँगा कि बैलेंस तरीके से इंडिया ने मैनेज किया इस पूरी सिचुएशन को। और अगर यहाँ पर आपका एक सवाल ये है कि अब इसके आगे क्या होगा, ठीक है यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर आए, अब आगे हम क्या देखेंगे, देखिए दलाई लामा यूएस की तरफ निकल चुके हैं। जी हाँ, दलाई लामा एक बहुत ही लंबे सफ़र पे गए हैं, पहले ये यूरोप में रुकेंगे
उसके बाद ये सिरा जाएंगे यूएसए में, वहां पर इनका नी ट्रीटमेंट किया जाएगा। नी में इनको कुछ इश्यूज हैं, पॉसिबिलिटी है कि यूएसए में बाइडन या फिर किसी और बड़े पॉलिटिशियन से ये मिले भी, देखना होगा वहां पर क्या होता है। बट क्लियरली यूएसए ने ये बात अब साफ कर दी है पूरे रीजन को कि तिब्बत को लेकर यह बहुत ज़रा फोकस करने वाले हैं। बहुत ही जल्द जो बाइडन एक बिल भी साइन कर देंगे जिसके अंडर यूएस ओपनली यूएन में, वेरियस और इंटरनेशनल फोरम्स में, शायद क्वाड में भी। वाओ, दिस विल बी सो इंटरेस्टिंग टू सी। आप इमेजिन कर सकते हैं इसी साल क्वाड का समिट भी होना है, कहाँ पर? भारत में। उस क्वाड समिट में हो सकता है कि यूएस तिब्बत का इशू रेस कर ले, वहां पे इंडिया क्या कहेगा देखना होगा। मैं चाहता हूं वहां पे इंडिया एक बार को सपोर्ट करे यूएसए की स्टेटमेंट का, वहां पर पीछे हटने की सेंस बनेगी नहीं तो आने वाले टाइम में। मैं आपको बता रहा हूं तिब्बत का इशू इतना ज्यादा न्यूज में रहेगा और चाइना बहुत ज्यादा बैकफुट पे जाने वाला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही तिब्बत का इशू रेस करेंगे। देखिए यूएसए के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, यूएसए के पास हॉलीवुड है, इनके बहुत सारे राइटर्स हैं, इनके इन्फ्लुएंसर्स हैं। कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि अचानक से कई यूएसए के इन्फ्लुएंसर, छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर्स रैंडमली तिब्बत के बारे में बात करना स्टार्ट कर दें। कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक से अमेरिकन मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में तिब्बत का मेंशन होना स्टार्ट हो जाए। अचानक से एक कैरेक्टर आता है, वो कहता है कि मैं तिब्बत से बिलोंग करता हूँ, उसके हाथ में तिब्बत का झंडा है। यू नो, ये सारे टैक्टिक्स होते हैं, सब यूएसए के सामने ऑप्शंस हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था एक मूवी भी आने वाली है 4 Rivers 6 Rangers के नाम से। आप टाइमिंग देखिए, सब कुछ बिल्कुल एक आप कह लीजिए टाइमलाइन के अंदर होता है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो मूवी है 4 Rivers 6 Rangers, ये उस टीम के ऊपर है जिन्होंने दलाई लामा को एस्कॉर्ट किया था फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया। ये बहुत ही फेमस एक तिब्बत का रेजिस्टेंस ग्रुप है, R4 6R। और इस मूवी में इनकी जो पूरी कहानी थी, किस तरीके से इन्होंने दलाई लामा को किया प्रोटेक्ट, ये सब दिखाया गया है। आप ऐसे यूट्यूब पे चाहें तो इसका जो ट्रेलर है ये भी देख सकते हैं, 4 Rivers 6 Rangers। और ये बस शुरुआत है, अभी तो आप देखिए आने वाले कई सालों में यूएस पूरी दुनिया को याद दिला देगा कि तिब्बत क्या था, दलाई लामा किस तरीके से तिब्बत से इंडिया में आए थे, तिब्बत को आज़ाद कराना ज़रूरी क्यों है। यूएस दिखाएगा कि उनकी सॉफ्ट पावर एक्चुअली कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स आएंगे। कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने रिसेंटली हिजाब पर बैन लगा दिया है। ये बहुत ज़रा सरप्राइजिंग था, एक मुस्लिम मेजॉरिटी सेंट्रल एशियन कंट्री ने बैन कर दिया है हिजाब को। बताइए यहाँ पर किस कंट्री ने यह किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ड दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, एक क्लासिक कोट है, आपने हो सकता है कि काफी बार देखी भी हो, यू कांट बिल्ड ए लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑन शॉर्ट टर्म थिंकिंग। कुछ महीनों का सोच के मैं ये करूंगा, आप कई सालों की प्लानिंग नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों की प्लानिंग करना चाहते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में इस एग्जाम को मैं अटेम्प्ट दूंगा, ये मेरी स्ट्रेटजी होगी, इस तरीके से मैं सक्सेसफुल बनूंगा। वेल, उनके लिए स्टडी IQ लेके आया है, स्टडी IQ लॉन्ग टर्म UPSC बैच। ये बैच बनाया गया है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज में हैं, जिनके पास अभी टाइम है, वो चाहते हैं आराम से आने वाले 2 साल में, 2-2.5 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट दे UPSC का, प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ वो अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म बैच इज फॉर यू। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा लॉन्ग टर्म बैच का, जो शुरू हो रहा है बाय द वे 24 जून से। जी हाँ, 24 जून से ये बैच बिल्कुल फ्रॉम Chapter 1 स्टार्ट होगा, पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो लॉन्ग टर्म बैच है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलती है एक्स्ट्रा लार्ज, 36 महीने की यहाँ पे आपको मिलती है वैलिडिटी, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली आपके लिए फ्री है ही, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस एग्जाम के लिए स्टडी IQ आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहें आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं अंडर स्टडी IQ's गाइडेंस। यहाँ पे आपके एकोमोडेशन का खर्चा, बाकी खाने का खर्चा, ये सब उठाएगा स्टडी IQ, और इंटरव्यू तक ये कोर्स आपका साथ निभाएगा। और अगेन, जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना, और जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोर्स दिख रहे हैं, अगर आप ये कोर्स लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज़ द कोड PD10 और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल।
आप बेसिकली 1000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे होंगे फॉर दिस 36 मंथ लॉन्ग कोर्स, और आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठ के या फिर जहां भी आप चाहें। सो इफ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, अगर आपकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं है, एक लंबा टारगेट लेके आप चल रहे हैं, यू कैन परचेज दिस कोर्स बाय यूजिंग द कोड PG10। सो यूज दिस कोड एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। मेरी वीडियो खत्म हो गई भाई, तिब्बत का मसला तो जो ज्यादा ही उठ गया है, अब तो ये मीडिया पे आने ही वाला ही है। अब वो बंदा खुद ही अमेरिका जा रहा है यूरोपियन से होके, इससे मेरे ख्याल में तो भाई साहब तिब्बत को कुछ निकलने वाला नहीं है। यही है कि थोड़ा दिन जो है वो थोड़ा हवा पहले ही होगा ये मसला हल। तो जिस तरह वो पहले आए थे उनके अमेरिकन स्पीकर आए थे, जरा बहुत ज्यादा वीडियो को दिखाया गया, चैनल ने कुछ भी नहीं किया, चैनल चुप करके बैठा ना। इन्होंने कहा कि वो डर गए, वो ये हो गया वो हो गया, चैनल ने डरा ना, सर में चैनल से कार्ड खेल रहा है, चैनल ने धमकी दी थी कि आप आए तो हां दी थी, वो आई थी तो इस बार भी क्या आ गए, एक साल के तौर पे वो एक्शन बढ़ा लेते, चैनल चुप करके बैठा रहता है। ताइवान में तो क्या हो जाएगा, चैनल फिर बैठ जाएगा। चैनल कच्ची गोली नहीं खेलता तारिक साहब, चैनल है ये। तो मेरे ख्याल में भाई अब हो सकता है भाई गलत हूँ मैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है ये जब खबरें उड़ाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, इससे क्या होगा कि जो जिन जिनको इस्तेमाल किया जाएगा वो पैसे खाएंगे। और साफ जाहिर है कि यूएसए एक बड़ा पैकेज जो है लगाएगा, और यूएसए का मकसद सिर्फ तिब्बत से मोहब्बत नहीं है, तिब्बत मकसद उसका मकसद उसका बनाना, तो ये याद रखना वो चाइना के साथ चाइना का पैसा भी क्रेडिट कर। हां जैसे जापान के नाम के रोल है, जैसे इराक के अंदर के रोल है, अगर तिब्बत जो है वो आजाद हो जाता है चाइना से तो भाई फायदा इंडिया को भी है। आप कह रहे हैं कि अगर तिब्बत चाइना के कब्जे में रहता है तो बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ लगेगा, तो फिर चाइना को अग्रेशन दिखाना और भी आसान। मेन स्टोरी जो सबसे मेन स्टोरी इस साइड पे, तो अगर तिब्बत रहेगा आजाद हो जाए तो उंगली और क्या मकसद, चाइना इतना को बच्चा है दूध पीता है। और मेरे ख्याल में अगर आपको लगता है ना भाई साहब ये तिब्बत का मसला हल ज्यादा दे देता है, सेंक्शन लगेंगे थोड़ा बहुत लग जाएंगे चाइना के ऊपर, और चाइना को कंट्रोल करना चाहिए, तो अमेरिका आर्मी अपनी भेजने वाला उधर के भाई आप हमारी तरफ से आप चाइना से लड़ो, ना इंडिया भेजने वाला। और इस वीडियो में भी आपने देखा कि इंडिया भाई आस्ता आस्ता अपने जो है खुद करा लेगा आजाद। हाँ लेकिन अमेरिका के बेहतर है वो, अगर आप जोश में आके फ्रंट पे लगेंगे तो भाई नुकसान होगा। तो लेकिन वो खबरें उछालने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। ये जो बाइडेन क्या करता है, जितना दौर अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया के बाद उकमाने में लगाया है, फलाना कंट्री बोले भी रशिया अग्रेशन दिखा रहा है, फलाना कंट्री इंडिया बोल दे ये हो गया वो, रुकवाई ना, वो चाहता भी नहीं था रुकवाना। और ये मैंने तिब्बत को आजाद करवाना है सिर्फ और सिर्फ इस खत्ते में खराबी पैदा करनी, बिल्कुल ये मिशन है। असल में अमेरिका भाई साहब जो इंसानी का कत्लेआम कर रहा है करवा रहा है, वो इस तरह के स्टेटमेंट देकर उसके मुंह से ये इस तरह की स्टेटमेंट जचती नहीं, पहले लोगों को मरवा रहा है इधर, लोगों की जो है ना चाइना के चुंगल से निकलवा। अब एक मिसाल मैंने सिंपल एक
तिब्बत जो है वो पहले भी चाइना के अंडर चल रहा है, अगर कल को वो थोड़ा अग्रेशन दिखाते हैं तो मरेंगे लोग, किसके मरेंगे? तिब्बत के मरेंगे। चलो जी ठीक है, अभी रुकता ही कमेंट सेक्शन में। मैं तो भाई यार ये जो दलाई लामा है ना, कल को अगर खुदा ना करता कोई जंगी की इधर माहौल बनता है तो अगर एक भी बंदा भरा ना तो भाई तिब्बत का तो वो उसका भर होगा। ये दलाई लामा इंडिया ने ये जो बयान दिया है ना कि हमने अपना पलड़ा जो है वो झाड़ रहे हैं, हम इसके पीछे नहीं है, वो डायरेक्ट अमेरिका अंदर के जंग मुतल्लक अपने आप में नहीं करवाना चाहते जी। ये अच्छा है भाई, और अमेरिका यहाँ बैठता है तो वो इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है। दादाजी तो कह रहे हैं कि चाइना से बच जाएगा, लेकिन बड़े दीदार के मुंह में चाइना से भी बड़ा दुश्मन अपने ऊपर मुसल्लत। चाइना में तो सारा कुछ अच्छे को ओके के वादे पूर्ण चल रहे, अमेरिका इंडिया को इस तरह नहीं चलने देगा। फिर वो अपनी मनमानी करवाएगा जैसे पाकिस्तान से करवाता है। तू अब नहीं मानेगा, उस वक्त मानेगा अगर ये हो गया कब्जा अमेरिका का। चले जी ठीक है भाई, अपनी ना रुकते का कमेंट सेक्शन में, हो सकता है भाई हम गलत हों, लेकिन जो दिख रहा है वो यही है अमेरिका की यही अमेरिका फिर इंडिया को खराब भी करनी है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए, सर तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।